तो आज हमने दिल्ली के दो सबसे मशहूर फाइव स्टार रेस्टोरेंट ताज पैलेस और द ललित से मंगाए हैं 1500 रुपए के बर्गर। तो गाइस चलिए देखते हैं इन दोनों फाइव स्टार में से किसके सितारे आज ज्यादा बुलंद हैं। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने द ताज पैलेस के बर्गर से। अब एक बात बताओ, एक आदमी, एक अनॉर्मल इंसान ने, एक आम इंसान ने अपनी जिंदगी में 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का बर्गर खाया होगा। मतलब वो 10 दिन 10 बर्गर जब खाएगा तब जाके उसके 1500 रुपए का बिल आएगा। लेकिन हमने एक ही बर्गर में स्पेंड कर दिया है 1500 रुपए का टोटल। इतना महंगा बर्गर क्या खासियत है भाई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्या खासियत है ललित और ये चार ताज वाले इतने महंगे महंगे बर्गर बेचते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ताज की पैकेजिंग देखिए, इतनी ब्यूटीफुल पैकेजिंग में इसको बेचते हैं। ये देखिए, आया है यार, मतलब आप टेक अवे में लेके आएंगे और किसी को गिफ्ट बॉक्स में भी देंगे तो भी वो बहुत खुश हो जाएगा। ओ हो, कुछ इस तरीके का डबल डेकर बर्गर निकला है गाइस हमारे पास। ओहो, चेक इट आउट भाई, एक छोटा सा मिनी टोमेटो इसके अंदर है, साथ में हमारे पास है पोटैटो वेजीज और ब्यूटीफुल से दिखने वाले कंटेनर्स में। ये तो सुंदर है, मतलब मेरे को ये चीज तो अच्छी लगी, पैकेजिंग वगैरह में तो A1 है भाई। अभी ललित का कैसा निकलेगा, वीडियो बने रहिए, साथ में देखेंगे भाई। ये टोमेटो केचप आई है गाइस इसके अंदर, टोमेटो केचप, और बर्गर की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है यार। ये देखिए गाइस, ये है हमारा 5-स्टार होटल ताज पैलेस का 1593 रुपए का बर्गर, कुछ ऐसा दिखता है। नॉन वेजिटेरियन बर्गर है गाइस, इसका नाम है स्मोकी अटैक बर्गर। अब जरा इस बर्गर का अंदर से पोस्टमार्टम कर ले गाइस, साथ में आ जाइए। ये देखिए, ये तो टमाटो है, अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमारे पास बेकन, मतलब नॉन वेजिटेरियन पैटी है, उसके साथ साथ पिकल्स है, अनियंस है हमारे पास, और तरह के वेजीज भी हैं गाइज इसके अंदर। बेकन की पैटी नहीं है इसके अंदर, पैटी चिकन की ही है बट बेकन के स्लाइसेस हैं। नॉन वेजिटेरियन बर्गर है बट बेकन के स्लाइसेस हैं। इवेंचुअली तो हमारा कंपैरिजन इसी चीज का है भाई, टेस्ट में। मतलब 1500 तो दोनों ले रहे हैं, प्राइस वाइज की बात तो हटाते हैं, लेकिन टेस्ट में कौन सा बर्गर बेटर है? बाकी गाइज आप जितने ये बता दीजिए कि आप कितने वाला बर्गर खाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी टोमेटो केचप डालते हैं हम अपने कंटेनर में, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओहो, 1593 का बर्गर ट्राई कर रहा हूँ। बर्गर गाइस अच्छा है, नो डाउट बर्गर अच्छा है, बट एक चीज बड़ी डिसअपॉइंटिंग है इसके बारे में कि ये इतना ज्यादा जूसी नहीं है जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि द अमाउंट जितना हमसे चार्ज करा गया उस हिसाब से थोड़ा जूसी बर्गर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसका टेस्ट अगर मेरे से पूछो तो एक 100-200 वाले बर्गर किंग का टेस्ट जो होता है ना, वो भी काइंड ऑफ इसके बहुत ही करीब आ जाता है, अगर इसको एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाता। और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है कि मैं इसके लिए 1600 रुपए खर्चना चाहूंगा। बाकी आप खर्चना चाहेंगे या नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए। बेसिक टाइप के टेस्ट मेरे को आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मुझे नहीं फील हो रहा, लेकिन क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे ललित के बर्गर में छुपा है, चलिए पता लगाते हैं, आ जाइए। ये देखिए 1345 रुपए का बिल है, जिसके अंदर GST और बाकी टैक्सेस जोड़ दिए जाए तो ये 1500 रुपए का एक बर्गर पड़ता है। और इस बर्गर में देखो निकलता क्या है, ललित का थैला, कुछ टिश्यू पेपर और कुछ 1-1 रुपए वाले टोमेटो केचप, बस यही जाता है हमारी, और 1600 रुपए ले लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, आप देखिए पहले। ओ इतने खूबसूरत हो तुम, मैं कैसे बयां करूं? लगता है पहचान, प्रेजेंटेबल दिया है, लगता है पहचान गए। वो भाई बेस पेपर देख रहे हो भैया, तुमसे पूछा था क्या किसके लिए लेने आए हो? नहीं तो नहीं था, पर हम भी आपकी वीडियो में आई है शायद। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खबर ना उड़ती उड़ती वहां पे सुगंध पहुंच रही है इसकी, और उससे ना टेस्ट में और शक्ल में काफी इंप्रूवमेंट आती जा रही है। टेस्ट में आ रही है कि नहीं पता लगाते, बट शक्ल देखिए गाइस, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ललित का 5-स्टार होटल का बर्गर है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ललित का 1500 रुपए का बर्गर। आए हाय, नजर ना लगे तुझे, देखने में भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, एक सुंदर सा ही बन है इसके ऊपर, सिका हुआ नहीं है बट सुंदर है। अंदर देखते हैं इस बर्गर के क्या है। ये भी बेकन है, अच्छा ये देखिए गाइस, ये है हमारा बेकन, ये है हमारा चिकन का पैटी, इसके नीचे हमारे पास एक ऑमलेट भी है। ओहो नाइस, नहीं ओहो टोमेटो वेजीज, और डिस्पाइट हम डिलीवरी में भी लेके आए हैं उसके बावजूद इतनी भाई सुधर रहा है। पिछली वीडियो हमने बटर चिकन की करी थी, उसमें भी ललित भाई साहब जीते थे, और इस वीडियो में भी कंटेंडर तो बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बाकी टेस्ट कर लेते हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। बर्गर उल्टा करके खाते हैं, आओ उल्टा करके खा लेते हैं यार। भाई इस डबल डेकर पैटी में दम तो है, आपको अच्छी लगी?
जहाँ तक वो जूसीनेस मिसिंग की मैं बात कर रहा था ना, वो कहीं ना कहीं ललित के इस बर्गर ने मेरे को परोस दिया। ओवरऑल पूछा जाए तो पैटी जितनी ही मोटी है उतनी ज्यादा इसके अंदर जूसीनेस भी भरपूर है और एक फ्रेशनेस भी है। चिकन के अंदर एक फ्रेशनेस भी है, बेकन भी काफी टेस्टी लग रहा है, और ओवरऑल पूछो ना बहुत ही खुशी मिल रही है कि जिस बच्चे को हमने पाला, इतना नटखट बच्चे को, उस बच्चे को आखिरकार हम सही राह पर लाने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि ये टेस्ट ना गाइस हमारे ताज के 1500 के बर्गर से फार बेटर है। तो आई वुड प्रेफर दिस ललित वाला बर्गर, मेरे को दे पसंद आया। बाकी आप ही ऑर्डर करके खाना चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रेटिंग पूछी जाए तो भाई 5 में से आई विल गिव दिस बर्गर 3.5 स्टार मैं इस बर्गर को देना चाहूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो में भी विजेता होता है हमारा ललित वाला 1500 का बर्गर। तो 5 स्टार की इस रेट में ललित जीत गया। अगली वीडियो में क्या होता है आप देखिएगा। कोई और सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस। क्या पर ललित के बेइज्जती नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे चलेगी? हम ईमानदारी गांधी जी की राह पे चलेंगे, सच्चाई से हम फॉलोवर्स पाएंगे।